Good morning, dear friends, and this is a great new day. सुप्रभात मेरे मित्रों, और ये महान नया दिन है. And so as we are facing the new day, and before we get into our activities, let us silently listen to the voice of God. और जबकि हम इस नए दिन का सामना करते हैं, आइए हम शांति के संग परमेश्वर की वाणी को सुने. And that will help us to be enthusiastic and joyful in whatever we want to do. और ये बात हमारी सहायता करेगी कि हम आनंदित हों और उत्साहपूर्वक हों जिस भी बात को हम करते हैं. Today we are going to the next two or three meditations. We are going to consider the passage from the Gospel according to St. John, chapter 5, verses 2 to 9. और हमारे अगले कुछ मनन में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय दूसरे वचन से लेकर नवे वचन तक का जो भाग है उस पर अपने मनन को रखेंगे. Here Jesus came to Jerusalem and in the temple, and where near the temple there was a pool called Bethesda. और यहाँ पर यीशु एक रोगी के पास यरूशलेम नगर में आया उस एक कुंड के पास जिसका नाम बतेस्ता था. And there are a lot of people lying on the bank of that pool. और उस कुंड के नजदीक कई सारे लोग जो बीमार थे पड़े हुए थे. And the Bible here says there is a multitude of people with various diseases and sicknesses. और यहाँ पर वचन बताता है किस प्रकार से कई हजारों की संख्या में लोग जो अलग अलग प्रकार के बीमारी, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले हर प्रकार के लोग वहां मौजूद थे. And there among them, Jesus noticed there was one man, a very lonely man, and he perceived in his spirit that this man has been lying there for a long time. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक और रोगी को भी देखा जो बहुत लंबे समय से वहां पर पड़ा था, और उसने अपनी आत्मा में इस बात को महसूस किया कि हो सकता है सच में इसे चंगाई की आवश्यकता. So he went to him, और इसलिए यीशु उस रोगी के पास गया, and asked him whether he wanted to be healed. और उससे पूछा कि क्या वो चंगा होना चाहता है. And that question may sound very strange. और वो सवाल हो सकता है बड़ा अजीब सा लगे सुनने में. Who doesn't want to be healed? कि कौन चंगा नहीं होना चाहता. And of course, Jesus always has a purpose in asking any question. और यीशु के पास हमेशा एक उद्देश्य है जब वो किसी सवाल को पूछता है. See, it is possible that this man was there for such a long time, he almost gave up any hope. क्योंकि ये मनुष्य लगभग 38 वर्षों से उसी स्थान पर पड़ा हुआ था और मानो अब वो आशा हार चुका है. And that can happen. ऐसा हो सकता है. That is one reason why Jesus asked that question. और इसी कारण वर्ष यीशु ने उससे इस सवाल को पूछा. Do you want to be healed? क्या तू चंगा होना चाहता है? And he wanted to give certain reasons and excuses why he could not get into the pool. और फिर उसके पश्चात उसने कई सारे बहानों को और कारणों को यीशु को बताया कि क्यों वो उस कुंड में नहीं जा पाता. Because the tradition was, once in a while, an angel of angels come from heaven and stir up the waters inside the pool. क्योंकि उस समय का ये बात नियुक्त थी कि कुछ समय परमेश्वर का स्वर्गदूत उस कुंड में आकर उस पानी को हिलाता था. And so whoever gets into that stirred water first will receive the. और इसलिए कोई भी वो जन जो पहले उस हिलते हुए पानी में पहुंचकर उसको अंदर पहुंच जाए वो चंगा हो जाएगा. But you know, this man, there was nobody to help him to get into the water. लेकिन इस मनुष्य के पास कोई भी सहायक या दोस्त या कोई भी नहीं था जो उसकी मदद करे कि उसे उस पानी में उतारे. Because he was paralyzed. क्योंकि वो लकवाग्रस्त था. And so it is natural for such people to give up any hope. और इसलिए ऐसे लोगों के लिए स्वाभाविक है कि वो हार मान लें और आशा दे दें. So normally Jesus healed in response to the faith of people. और स्वाभाविक रूप से तो यीशु मसीह चंगा करता है लोगों के विश्वास के कारण. But in his case it was not so. लेकिन इस व्यक्ति के विषय में ऐसा नहीं था. Probably it is because of the length of time of his suffering. लेकिन ये तो कितने लंबे समय से वो उस दुख से होकर के निकल रहा था, इस वजह से यीशु ने उसे चंगा किया.
And Jesus healed. और यीशु ने चंगा किया. And that message also has given a message to everyone. और उस संदेश ने भी एक संदेश को दिया है हर एक के लिए. We should never give up hope. कि हमें कभी भी आशा नहीं, आशाहीन नहीं होना चाहिए. If you are trusting Jesus. और अगर आप यीशु पर भरोसा कर रहे हैं. Never give up hope. तब कभी भी हार ना माने. And if your trust is in God. और अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है. Then help will come. तब सहायता जरूर आएगी. May not be according to your timing. और हो सकता है आपके समय अनुसार ना हो. God has His time. क्योंकि परमेश्वर के पास अपना समय है. And so we should never give up hope. और इसलिए हमें कभी भी आशा नहीं हारनी चाहिए. Now I would like to speak a few points from this lesson from this miracle. और इस चमत्कार से मैं कुछ बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ. So the title of our meditation is Surprises of Grace. और इसलिए हमारे मनन का जो शीर्षक है वो है अनुग्रह को अचंभा करने वाली या भौचक्का करने वाली बात. So the first thing we want to look into is this. और इसलिए पहली बात जो इस विषय में हम देखना चाहते हैं. The grace of God often comes from unexpected sources. कि परमेश्वर का अनुग्रह कहीं कई बार ऐसी स्रोतों से आता है जहां से कोई आशा हम नहीं लगाते. The man in this story was waiting for an angel. और क्योंकि ये जो रोगी इस कहानी में मौजूद है वो एक स्वर्गदूत का इंतजार कर रहा था. The man apparently did not know who Jesus was. क्योंकि ये मनुष्य ये नहीं जानता था कि यीशु कौन है. Nor his reputation as a healer. और ना ही वो यीशु की उस प्रसिद्धि के विषय में जानता था कि वो चंगा करने वाला है. And even after his healing, the man could not recognize Jesus. और अपनी चंगाई के पश्चात भी ये मनुष्य प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाया. See, sometimes what happens is. देखिए होता ये है कई बार. Our set ideas can blind us. कि हमारे पहले से स्थापित किए हुए विचारधारा हमें अंधा कर सकती है. So that we do not recognize the grace of God when it comes. ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को ना पहचान पाएं जब वो सच में हमारे बीच उतरता है. We may be looking for an angel. हो सकता है हम भी एक स्वर्गदूत को खोज रहे हैं. This man's case was like that. और इस मनुष्य का जो स्वभाव था या परिस्थिति थी ऐसी थी. In his mind, अपने मन में, his healing totally depended on an angel coming and stirring up the water, and the lucky one will get there first and be healed. उसकी चंगाई इस बात पर निर्भर थी कि कैसे वो अपने मन में इस विचारधारा को रखे हुआ था कि कैसे स्वर्गदूत उतरेगा कुंड में, पानी को हिलाएगा और उस पानी में जो पहले उतरेगा वो चंगा हो जाएगा. So this idea was settled in his mind. और ये विचार ही उसके मन में स्थिर हुआ था. He could not think of any other way the grace of God can appear. और इसलिए ये रोगी या ये बीमार इसके अलावा किसी दूसरे रीति से परमेश्वर के अनुग्रह के कार्य को नहीं देख सकता. He will expect an angel. और इसलिए प्रतिदिन वो एक आशा लगाए रखेगा कि एक स्वर्गदूत आएगा. And we may be doing the same thing. और हो सकता है हम भी ऐसा ही कर रहे हैं. We may be looking for an angel. हम भी एक स्वर्गदूत को खोज रहे हैं. But often, लेकिन कई बार, the grace of God comes through ordinary people. परमेश्वर का अनुग्रह साधारण लोगों के द्वारा आता है. And if we do not open our hearts and realize this, और अगर हम अपने हृदयों को खोलकर इस बात को नहीं समझते, we may even miss His grace, though the grace has appeared. तब हम उसके अनुग्रह को खो सकते हैं भले ही उसका अनुग्रह हमारे सामने क्यों ना हो. But the greater tragedy is, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य और हो सकता है, to be so close to the help you are seeking, कि आप उस सहायता के इतने नजदीक हो जिसकी आशा आप लगाए हुए हैं, and when it comes, और जब वो सहायता आती है, you miss it. आप उसे खो देते हैं. Because your mind is set on only one thing, only one way that the grace can come. क्योंकि आपका दिमाग, आपका मन तो एक ही ओर, एक ही दिशा में लगा है जिस दिशा से वो अनुग्रह आ सकता है. And my friends, और मेरे मित्रों, always remember, हमेशा याद रखिए, we must realize this. हमें इस बात को समझना है. If we do not open our hearts, अगर हम अपने हृदय को नहीं खोलते, and realize this, और इस बात को नहीं समझते, we may even miss His grace when it appears. तब हम भी उसके अनुग्रह को खो सकते हैं.
And sometimes और कई बार it can be right at your doorstep. हो सकता है ये अनुग्रह आपके फाटक के दरवाजे के पास है. The answer to your need. आपकी आवश्यकता के प्रति उत्तर. Right at your need. और आपके दरवाजे पर है. You know the you can hear the knock. और आप उस खटखटाने को सुन सकते हैं. You may even open the door. और आप दरवाजा भी खोलते हैं. But you miss it. लेकिन आप उसे खो देते हैं. Like Peter, he was released from the prison, and the first place he went was the house where the church was meeting together to pray for Peter. जैसे पत्रस को देख लीजिए, उसने कारागार से आजाद होकर वो सबसे पहले उस घर की ओर गया जहां विश्वासी उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे. And when Peter came and knocked at the door. और जब पत्रस आया दरवाजा खटखटाया. A servant girl came and opened the door. और तब एक दासी आई और उसने दरवाजे को खोला. And in her excitement, और अपने उत्साह में, instead of opening the door, उसने दरवाजा खोलने के बजाय, she ran inside and informed others, Peter is here at the door. वो दौड़ती हुई अंदर गई और दूसरों को ये जानकारी दी कि पत्रस दरवाजे पर खड़ा. And what was the others response? और दूसरों का क्या उत्तर था? No, you are mad. अरे तू पागल हो गई है. It could not be Peter. ये पत्रस नहीं हो सकता. It must be his ghost. ये तो उसका भूत होगा. That means इसका मतलब Peter is already killed. कि पत्रस तो पहले ही मर चुका है. Now his ghost is roaming around. अब तो उसका भूत है, उसकी आत्मा है जो इधर-उधर भटक रही है. What does that mean? इसका क्या मतलब है? The Bible clearly says that they gathered, the church gathered there together to pray for Peter the whole night. बाइबल तो बड़ी स्पष्ट रीति से बताती है कि सभी लोग वहां इकट्ठा हुए कि वो पूर्ण रात्रि बैठकर प्रार्थना पत्रस के लिए प्रार्थना करें. The problem was they were praying without expecting the miracle. वो उनकी समस्या ये थी कि वो प्रार्थना तो कर रहे थे लेकिन चमत्कार की आशा में. Now this is our problem. यही हमारी समस्या भी. We pray. हम प्रार्थना करते हैं. Because mentally we know that God is able. क्योंकि मानसिक रूप से हम जानते हैं कि परमेश्वर योग्य है. But not practically. लेकिन स्वाभाविक रूप से. This is our problem. यही हमारी समस्या. We believe that our God can do anything. हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है. But will he do it? क्या वो करेगा ऐसा? Will he do it for me? क्या वो मेरे लिए ऐसा करेगा? For us? क्या हमारे लिए ऐसा करेगा? Will he do it for my family? क्या मेरे परिवार के लिए ऐसा करेगा? These are the questions. ये वो सवाल है. And the questions block. Or blind us. और ये सवाल हमें अंधा कर देते हैं. How sad it is. और कितना दुखी है ये बात. Because in our preoccupation. क्योंकि हमारे पहले से भरे हुए मनों में. We cannot see when the answer comes. हम इस बात को देख नहीं पाते जब ये उत्तर आता. And we are so busy looking for an angel. और हम इतना व्यस्त हो जाते हैं स्वर्गदूत को खोजने में. That we miss the one whom God sends to us with the answer. ताकि हम उसे भी खो देते हैं जो परमेश्वर हमारे सम्मुख भेजता है एक उत्तर लेकर. Because we may be thinking. क्योंकि हम ये सोचते हैं. For my healing. मेरी चंगाई के लिए. God may have to send an evangelist with the healing ministry from somewhere outside. परमेश्वर को एक सुसमाचार प्रचारक भेजने की आवश्यकता है जिसके पास चंगाई की सेवकाई हो जो परमेश्वर बाहर से भेजेगा. And it can happen only in a revival meeting. और ये सिर्फ एक बेदारी की सभा में हो सकता है. Or in a crusade. या एक क्रूसेड में हो सकता है. And we look for these kind of things and we miss God's way of using ordinary people. To minister to you. और हम इस रीति से कई बार आशा लगाते हैं और इस प्रकार हम परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं क्योंकि अनुग्रह कई बार परमेश्वर साधारण लोगों का प्रयोग करता है उस अनुग्रह को हमारे जीवन में लाने के लिए. Please understand. कृपया करके समझिए. So let us not give up any hope. तो आइए हम अपनी आशा को ना हारे. And may this experience of this man teach you this great lesson. Number one, never give up hope, and always, number two, always look for the answer, sometimes even through ordinary people. और इसलिए होने दे इस व्यक्ति इस रोगी के जीवन से हम ये सीखने पाएं दो बातों को कि कभी भी हम आशा न हारें
कभी मन ना हारे, और दूसरी बात हमेशा उस आशा की ओर देखे रहे जो साधारण लोगों के द्वारा आ सकती है। Our Lord, हमारे परमेश्वर, many times we miss your blessings, कई बार हम तेरी आशीषों को खो देते हैं, simply because we are looking for your presence and your blessing through some supernatural way, क्योंकि हम तेरी आशीषों को कई बार बड़े स्वर्गीय रूप से देखना चाहते हैं। We don't realize that sometimes God comes in a very ordinary way through some very ordinary people. लेकिन हम इस बात को कई बार नहीं समझते कि परमेश्वर कई बार बड़े साधारण तरीकों से और साधारण लोगों के द्वारा कार्य करता है। So Lord, here are we. तो इसलिए परमेश्वर यहाँ पर हम। Many times we missed your blessing. कई बार हमने तेरी आशीषों को खो दिया। Because we have been so busy in looking for an angel. क्योंकि हम कितना ही व्यस्त हो जाते हैं एक स्वर्गदूत को खोजने और उसका इंतजार में। Forgive us, O Lord. हमें क्षमा करें परमेश्वर। May we see your grace appearing through one of our close friends. होने दे हम तेरे अनुग्रह को अपने जीवनों में देखने पाएं अपने सबसे निकट मित्रों के द्वारा। Thank you. धन्यवाद। And you can use each one of us. तू हम में से हर एक का प्रयोग कर सकता है। To minister to others. ताकि हम दूसरों में के भी सेवा करने पाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Jesus name. यीशु के नाम में। Well, this is a day. And this is a great day. Enjoy the rest of the day, time of this day, and make sure that the grace of God can appear to you any time through anyone. और ये एक महान दिन है, इसका आप आनंद उठाएं, इस बात को सुनिश्चित करें कि परमेश्वर का अनुग्रह किसी के द्वारा किसी भी क्षण आपके पास आ सकता है। आमीन। आमीन।